क्वेश्चन ये है कि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस वैल्यू पर यूनिफॉर्म रोब का मैक्सिमम फ्रैक्शन इंक्लाइन प्लेटफॉर्म को टच नहीं करेगा, और वो मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना होगा ये भी फाइंड आउट करना है। ये गिवन है कि इंक्लाइन प्लेटफॉर्म पर रोब का पोजीशन वर्टिकली सिमेट्रिक है और इंक्लाइन प्लेटफॉर्म और रोब के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 के इक्वल है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले ये ज़ूम करते हैं कि रोप का एक्स लेंथ इंक्लाइन प्लेटफॉर्म को टच नहीं कर रहा है और रोप का वाई लेंथ दोनों तरफ इंक्लाइन प्लेटफॉर्म के कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, सो वी हैव टोटल लेंथ एल ऑफ द रोप इक्वल टू एक्स प्लस 2y। ठीक है, अगेन मान लेते हैं रोप का टोटल मास स्मॉल m के इक्वल है, सो वी हैव लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा फॉर द रोप इक्वल टू m by l। ठीक है, नाउ वी हैव फ्रैक्शन ऑफ द रोप not touching incline platforms equal to small f, and this will be equal to x डिवाइड बाई टोटल लेंथ। ठीक है, एंड दिस इज x डिवाइड बाई x प्लस 2y। ठीक है, तो रोप का इतना फ्रैक्शन इंक्लाइन प्लेटफॉर्म के कॉन्टैक्ट में नहीं है और हमें इसी फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यह फाइंड आउट करना है कि थीटा के किस वैल्यू पर यह फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि रोप का नॉन टचिंग पार्ट और टचिंग पार्ट दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो सबसे पहले रोप का जो नॉन टचिंग पार्ट है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं ये रोप का नॉन टचिंग पार्ट है, इसका लेंथ एक्स के इक्वल है तो इसका मास लैम्डा एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, अगेन दोनों एंड पर मान लेते हैं कि रोप में टेंशन टी के इक्वल है, तो दोनों एंड पर रोप इस पर टेंशन फोर्स टी अप्लाई करेगा। ठीक है, इधर भी अलोंग द इंक्लाइन इस पर टेंशन फोर्स टी एक्ट करेगा। ये हॉरिजॉन्टल है एंड दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, और इधर भी ये हॉरिजॉन्टल है एंड दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अगेन इसका वेट दोनों डायरेक्शन में लैम्डा एक्स जी एड कर रहा है एंड दिस इज बैलेंस्ड बाय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। तो हम देख सकते हैं कि टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, दैट इज 2t साइन थीटा के इक्वल है। सो दिस इंप्लाई दैट 2t साइन थीटा इज इक्वल टू वेट, दैट इज लैम्डा एक्स जी। ठीक है, अगेन रोप का जो पार्ट प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में है
उस पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है यही रोप का टचिंग पार्ट है, इसका लेंथ वाई के इक्वल है, तो इसका मास लैम्डा वाई के इक्वल हो जाएगा। अगेन इस पॉइंट पर रोप में टेंशन टी के इक्वल है, तो इस पर टेंशन फोर्स डाउन द इंक्लाइन टी एक्ट करेगा एंड वी हैव दिस एंगल इक्वल टू थीटा। ठीक है, अगेन इसका वेट दोनों डायरेक्शन में लैम्डा वाई जी एक्ट कर रहा है, तो इस वेट का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन लैम्डा वाई जी साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, और इस पर प्लेटफॉर्म अप द इंक्लाइन फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि रोप का नॉन टचिंग पार्ट का जो फ्रैक्शन है वो मैक्सिमम हो। तो नॉन टचिंग पार्ट का फ्रैक्शन मैक्सिमम तभी होगा जब दोनों टचिंग पार्ट पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे हो। ठीक है, मतलब इस पार्ट पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम होना चाहिए एंड द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो हो जाएगा म्यू इंटू एम दैट इज लैम्डा वाई इंटू जी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इस पार्ट के लिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो लैम्डा वाई जी कॉस थीटा के इक्वल है, तो इस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंड वी हैव नेट फोर्स ऑन दिस पार्ट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अलोंग द इंक्लाइन इस पर नेट फोर्स बैलेंस करते हैं, नेट फोर्स जीरो करते हैं, तो हो जाएगा टी प्लस लैम्डा वाई जी साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, और यहां पर म्यू की वैल्यू वन के इक्वल है, तो हो जाएगा लैम्डा वाई जी कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट टी की वैल्यू यहां से इसमें पुट करते हैं, सो दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा लैम्डा एक्स जी डिवाइड बाई टू साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू, इस टर्म को उस तरफ लेके जाते हैं, तो हो जाएगा लैम्डा वाई जी इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा जी कैंसिल आउट एंड दिस इंप्लाई दैट एक्स बाई वाई इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा एंड टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है, दिस इंप्लाई दैट एक्स बाई वाई इज इक्वल टू साइन टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में
ऊपर नीचे x से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई वन प्लस टू वाई बाई एक्स। ठीक है। तो हमें f की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर f मैक्सिमम कब होगा, जब इस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब y बाई एस की वैल्यू मिनिमम होगी। अगेन y बाई एस की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब x बाई वाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, मतलब जब x बाई वाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी समय इस फ्रैक्शन की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि x बाई वाई की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर x बाई वाई थीटा का फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि x बाई वाई को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट करेंगे और वहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करके हम एक्स वाई वाई की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेथड थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो उसके लिए अल्टरनेट मेथड ये है कि हम क्या करेंगे कि साइन टू थीटा प्लस कोस टू थीटा को साइन ए प्लस बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और वहाँ से हम एक्स वाई वाई की मैक्सिमम वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा भी देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बाई वाई की मैक्सिमम वैल्यू √2 - 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट एक्स बाई वाई इक्वल टू, तो यहाँ पर हम √2 कॉमन ले लेते हैं और 1/√2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हो जाएगा साइन टू थीटा इंटू 1/√2 प्लस कॉस टू थीटा इंटू 1/√2 - 1 - 1। ठीक है, अगेन दिस इंप्लाई दैट एक्स बाई वाई इज इक्वल टू √2 इंटू, ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सो दिस इज साइन टू थीटा प्लस π/4 -1। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एक्स बाई वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो √2 - 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर साइन 1 के इक्वल कब होगा, जब 2 थीटा प्लस π/4 π/2 के इक्वल होगा। सो दिस इंप्लाई दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स बाई वाई दैट इज एक्स बाई वाई मैक्स इज इक्वल टू √2 - 1 एट 2 थीटा प्लस π/4 इक्वल टू π/2। ठीक है, 2 थीटा प्लस π/4 जब π/2 के इक्वल होगा उस समय साइन की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू π/8, तो आंसर हो गया। ठीक है, मतलब थीटा इक्वल टू π/8 पर एफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, और एफ की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम वाई बाई एक्स की मिनिमम वैल्यू मतलब एक्स बाई वाई की मैक्सिमम वैल्यू यहां से पुट करते हैं। ठीक है, दिस इंप्लाई दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ दैट इज एफ मैक्स इज इक्वल टू 1/1 + 2 × मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई बाई एक्स, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई बाई एक्स विल बी 1/√2 - 1 1/√2 - 1 एंड दिस इज इक्वल टू
रूट टू माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट टू प्लस वन, ठीक है। सो फाइनली वी हैव एफ मैक्स इक्वल टू, न्यूमरेटर को रेशनलाइज करते हैं, सो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई रूट टू प्लस वन, वी हैव एफ मैक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा टू माइनस वन दैट इज वन डिवाइडेड बाई रूट टू प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। मतलब थीटा इक्वल टू पाई बाई एट पर रोप का मैक्सिमम फ्रैक्शन इंक्लाइन प्लेटफॉर्म को टच नहीं करेगा और मैक्सिमम फ्रैक्शन की वैल्यू वन बाई रूट टू प्लस वन होल स्क्वायर के इक्वल होगी, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई एट एंड मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ रोप नॉट टचिंग इंक्लाइन प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया, थैंक यू।